हाँ शर्मा, ये तो वही अंकल है जिसमें सिद्धार्थ का नाम लिखा था और लव लेटर लिखा था। हमें पहले से शक था इस घर में कोई ना कोई तो है जो हमारे और सिद्ध के बीच में गलतफहमियों की दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमने उन एनवेलप्स में एक केमिकल डाल दिया था। जिसने भी उसको छुआ होगा ना, उसके हाथ में वो केमिकल लग गया होगा और हम स्कैनर से उसका हाथ स्कैन। सो के चाहेंगे तुम्हें इतना के आने वाले एपिसोड वासो को देखने के लिए मिलेगा कि फाइनली किसी ने किसी तरीके से आसी ये कोशिश करती है कि क्यों ना मेरे तरफ से सिंघानिया को लव लेटर कौन लिखा था इस राज के बारे में पता लगाया जाए। और इसके बाद से काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद से उसे इस वाले राज के बारे में पता चल जाता है कि सारा खेल के पीछे और कोई नहीं बल्कि गीत का ही हाथ है। बट ये वाला असलियत जानने के बाद भी वो गीत को कुछ भी डायरेक्टली नहीं बताती है बल्कि सभी फैमिली मेंबर के सामने ये शर्त रखती है कि जिसने भी मेरा लेटर को छुआ होगा उसके हाथ में एक केमिकल लग गया होगा, क्योंकि मुझे पहले ही पता चल गया था कि कोई न कोई उस वाले लेटर के साथ छेड़खानी करेगा। इसी की वजह से मैंने उस लेटर पे एक केमिकल लगा दिया था और अब मैं स्कैनर की मदद से सभी के हाथों को स्कैन करूंगी ताकि मुझे इस वाले केमिकल का कोई भी पार्ट किसी के हाथों में भी मिलता है तो असल में वही मुजरिम है, ऐसा माना जाएगा। ठीक है, बट ये चीज सुनने के बाद गीत को काफी ज्यादा डर लगने लगता है उसका असलियत कहीं ने कहीं सबके सामने न आ जाए। तो आखिर आने वाले एपिसोड में जो गीत है इस वाले प्रॉब्लम से बचते या फिर आसी के सामने एक्सपोज हो जाती है, ये चीज आपको आने वाले एपिसोड के अंदर ये देखने के लिए मिलेगा। बाकी आज के इस वीडियो को ही पिन करते हैं, सब्सक्राइब कर देना चैनल को।